मार्केट जब भी अच्छी चलती है तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स हमें मीम कॉइन्स में मिलते हैं, लेकिन हमेशा एक प्रॉब्लम हमें आती है कि मीम कॉइन्स कौन से लेने हैं, कब लेने हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हमेशा गलती हमारी हो जाती है, यानी कि हो सकता है कि आप या तो मीम कॉइन मिस कर देते हैं या फिर ऐसा भी होता है कि आपने गलत जगह पर पैसे लगा दिए और पूरा के पूरा पैसा खत्म हो जाता है, जिसका सलूशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल एंड क्लियर सलूशन बताने वाला हूँ। आज के बाद आपका कभी भी पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका एक एक पैसा क्या है कि आपको पूरा रिटर्न देगा। हालांकि रिस्क तो क्रिप्टो करेंसीज में रहता ही है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम कितना ज़्यादा रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। करंटली आपने देखा होगा कि सोलाना बेस्ड कितने मीम कॉइन्स बहुत अच्छा चल चुके हैं, जैसे कि पहले बॉन्ग कॉइन आया, बोम कॉइन आया बुक ऑफ मीम के नाम से, WIF नाम से कॉइन आया, फिर पॉप कैट आया, ऐसे काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स आए जिन्होंने प्रॉफिट्स भी सबसे ज़्यादा दिए हैं और अभी भी टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो सोलाना बेस्ड मीम कॉइन्स अभी भी टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं एंड अभी कोई भी अगर सोलाना बेस्ड मीम कॉइन आता है तो वो हमेशा अच्छा प्रॉफिट देकर ही जाता है। तो ये कॉइन्स आपने कहाँ से ढूंढने हैं और सबसे पहले आपने कैसे लेने हैं, जिस चीज़ को बोलते हैं स्नाइपिंग, यानी कि कॉइन लिस्ट होने से पहले या फिर स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर आपको मिल जाता है तभी आप उसमें सबसे कम रुपए में खरीदोगे और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में आप सेल भी करोगे, इंस्टेंटली बाय एंड सेल करोगे। और ये सब कुछ पॉसिबल होने वाला है ऑटो स्नाइप के द्वारा, जो मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बताऊँगा, हर एक चीज़ आपको करके दिखाने वाला हूँ कि ये बॉट कैसे काम करने वाला है और आपके ये वॉलेट में ही चल जाएगा, यानी कि आपको मोबाइल में चल जाएगा। लेकिन अगर पूरी डिटेल्स चेक करनी तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि जहां पे आप हर एक चीज़ क्लियरली देख पाओ। तो अब आपके साथ स्कैम नहीं होने वाला, क्योंकि आप खुद ये चेक करेंगे कि स्कैम कौन सा कॉइन है। आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कौन सा रग्ड कॉइन है, यानी कि रग करने वाला कॉइन है, ताकि आप स्टार्टिंग में ही अपना पैसा गलत जगह लगाओ ही ना। तो ये वीडियो पूरा देखते रहना, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा डिटेल्ड होगा। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो वॉफ्ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। तो जैसा आपको बताया कि मीम कॉइन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं इस वक्त, और कौन से मीम कॉइन्स टॉप चेन्स वाले, जैसे कि सोलाना वाले या फिर बेस वाले, जो इन दोनों चेन्स के ऊपर है वही अभी पॉपुलर कॉइन्स में आ रहे हैं और वही सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अभी क्या है कि काफ़ी सारे बॉट्स भी आए हैं मार्केट में, काफ़ी सारे स्नाइपिंग वाले बॉट्स आए हैं जिससे आप टोकन्स को ईजिली बहुत ही क्विकली बाय कर सकते हो, जो कि वेबसाइट बेस्ड भी हो सकते हैं या फिर टेलीग्राम बेस्ड बॉट भी हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसी का सलूशन आज मैं आपके लिए लिख के आया हूँ, जो है autosnipe.ai। तो ऑटो स्नाइप के ऊपर जो आपको सबसे बड़ा मेन फीचर मिलने वाला है वो ये कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा लेजिटिमेट टोकन है, कौन सा टोकन बिल्कुल सही आपके लिए, जो मार्केट में रग पुल नहीं करने आया या फिर जो स्कैम करने के लिए मार्केट में नहीं उतरा है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे 10% का रीबेट भी पा सकते हो फीस के ऊपर। पहले ही फीस बहुत कम है और इसके ऊपर भी आपको 10% का डिस्काउंट इजीली मिल रहा है। तो इसके लिए करना क्या है, आपने autosnipe.ai के ऊपर जाना है। तो ये आपका फैंटम वॉलेट कनेक्ट होगा, यहाँ पे आपका फैंटम वॉलेट क्रिएटेड होना चाहिए, वो आप अपने मोबाइल में ही कर सकते हैं और इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे कि क्रोम या किसी भी अपने ब्राउजर के ऊपर ये आप एक्सटेंशन लगा सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको साइन अप करने के लिए एक रेफरल कोड डालना पड़ेगा, जो है वॉफ्टेड के नाम से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कोड भी वही है वॉफ्टेड। तो आपने ये डालना है, एज इट इज़ डालना है और ये बहुत लिमिटेड मेंबर्स के लिए, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है कर सकते हो। तो इसके ऊपर क्या है कि आपने अपना सालाना अमाउंट यहाँ पे डालना है, आप कितना भी डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए, जितनी आपने बाइंग करनी है वो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने अभी डिपॉजिट एक्चुअल में मैंने कर दिया यहाँ पे इस एड्रेस के ऊपर कॉपी करके, अब चेक करेंगे रिफ्रेश करके तो अमाउंट भी यहाँ पे आ चुका है, 0.1 सालाना हमने यहाँ पे डाला है तो अमाउंट आ चुका है। अभी चलते हैं पेयर्स के ऊपर। तो ऑटो स्नाइप के ऊपर क्या है कि पेयर्स आते रहते हैं, यहाँ पे नए से नए पेयर्स जुड़ते रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 6 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 12 मिनट पहले। तो इसके ऊपर आपने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चेक करनी है। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ट्विटर है इनका या नहीं, टेलीग्राम है या नहीं, वेबसाइट है या नहीं। कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स होंगे जिनका कुछ भी नहीं होगा, ये भी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है इनका। तो एक चीज़ आपने ये चेक करनी है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हाई ड्रग्स पहले ही किया हुआ है, अगर हम हाई ड्रग्स हटा देते हैं तो आपको दिखेगा ये रेड मार्क दिखेगा, यानी कि जो रग पुल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि लिक्विडिटी कितनी है इनकी। लिक्विडिटी आप देख सकते हैं, परसेंटेज भी देख सकते हैं, लिक्विडिटी किसी ना किसी की रिड्यूस भी हो रही है, ये देख सकते हो आप, रेड में जा रही है। इसी के साथ इनिशियल लिक्विडिटी आप देख सकते हैं कि इनिशियल कितनी ज़्यादा थी। यही चीज़ें होती हैं जो हम जनरली नहीं देख पाते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है मार्केट कैप। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जैसे कि चाम यहाँ पे कॉइन आया, चाम यानी कि $4 लाख के आसपास मार्केट कैप है। तो इस तरीके से जिसका अच्छा मार्केट कैप होगा आपने उसी के ऊपर भरोसा करना है। जैसे कि कुछ ऐसे भी है जिनका मार्केट कैप मिलियंस में भी जा रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन मार्केट कैप लगातार रिड्यूस भी होता है।
अब अगली चीज़ जो आपने देखनी है, ट्रांजैक्शंस देखनी है, वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम कितना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये आपको जो कोड्स दिख रहे हैं, ये एक्रोनिम्स दिख रहे हैं, आपने फिल्टर्स के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपने देखना है कि हाई ड्रग्स हमने पहले किया हुआ है, इसी के साथ आपने देखना है कि मिंट ऑथराइज ये डिसेबल्ड आप कर सकते हो। टॉप 10 होल्डर्स, ऐसा ना हो कि सारे वही टॉप 10 के पास ज़्यादा पूरी की पूरी क्वांटिटी पड़ी हो। विद एटलीस्ट वन सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर या फिर टेलीग्राम, एक ना एक तो होना ही चाहिए। फ्रीज ऑथराइजेशन डिसेबल्ड हो, तो ये अगर फिल्टर्स लग जाएंगे तो इसके बाद थोड़ी सेफ्टी और बढ़ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि कितने कम पेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और आपको ये चारों चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि ये चारों वही चीज़ें जो हमने यहाँ पे मार्क की हैं, जो हमारे चारों पाँचों फिल्टर्स हैं। अब इसके ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं। अब एक और चीज़ ये है कि आपने सेटिंग्स के ऊपर जाना है, स्लिपेज देखनी है कि ये 10-15% जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी फास्टली आपका ऑर्डर लगेगा। प्रायोरिटी के लिए भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप टर्बो तक भी जा सकते हैं लेकिन आपकी फ़ीस उतनी ज़्यादा कटेगी, आप मीडियम कर देते हैं इसको। और MEV प्रोटेक्शन है, इसकी प्रोटेक्शन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ब्राइबरी अमाउंट ये 0.01 है, इसको 0.001 कर देते हैं। एंड सिमिलर ही आप कर सकते हो, क्योंकि आपने जब बाय कर लिया तो सेल भी तो करना पड़ेगा। ये भी फॉर एग्जांपल मीडियम, या इसको हाई भी कर सकते हैं, लेट्स से हाई कर देते हैं। तो सेव सेटिंग्स कर देनी है। ऑर्डर अब कैसे लगाना है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे अमाउंट डाल लिया है, और कितना यहाँ पे आपने इंस्टेंट बाय को भी ऑन कर देना है, अमाउंट कितना लगाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल है $0.1, तो हम बाय करेंगे 0.001 या फिर 0.02 कर देंगे। ये देख सकते हैं कैट, ये 160% के आसपास इसने ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया, तो ये शायद उसके बाद प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे कॉपी करके देखते हैं। रग चेक के लिए यहाँ पे चेक करेंगे, पेस्ट करेंगे कि कॉइन अच्छा है या नहीं, तो यहाँ पे डेंजर दिख रहा है, तो डेंजर है तो इट मींस वी कैनॉट बाय दिस। लेट्स से हम इसको ही चेक कर लेते हैं एक्सोडिया, क्योंकि इसकी तीनों चीज़ें हैं, वेबसाइट भी है और ट्विटर भी है, टेलीग्राम भी है। सो लेट्स चेक दैट, सो इट सेज गुड, तो यहाँ पे गुड दिख रहा है, तो एक बार ये हम करके देख लेते हैं। एक्सोडिया यहाँ पे हमने इंस्टेंट बाय करना है, इंस्टेंट बाय हमारा ऑन है, अमाउंट लिखा हुआ है कितना अमाउंट जाएगा, तो इंस्टेंट बाय हो गया। ये आप देख सकते हैं इंस्टेंट बाय इनिशिएटेड, तो हमारी होल्डिंग्स यहाँ पे दिखेंगी कि हमारी होल्डिंग्स कितनी है, क्योंकि इनिशिएट हो चुके हैं। अभी ये इंस्टेंट सक्सेसफुल भी हो चुका है, अभी दिख रहा है कि सक्सेसफुल भी हो चुका है। अब होल्डिंग्स में हमें ये दिखना शुरू हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं चेंज इन PNL, लगभग हम ऑलरेडी 11-12% के प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो इसको मैं यहीं पे ही सेल कर सकता हूं, या फिर इसको होल्ड करूंगा तो शायद हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, या फिर टोटल लॉस में चला जाए, क्योंकि मीम कॉइंस है तो हमेशा ऐसा होने ही वाला है। सो नाउ लेट्स से कि हम सेल कर देते हैं, अब सेल भी इंस्टेंट ही होगा, सेल टोकन कर देते हैं क्योंकि हम 10-12% के प्रॉफिट में हैं, तो यहाँ पे सेल हो चुका है। सो नाउ इट सेज सक्सेसफुली, टोकन सोल्ड सक्सेसफुली। अब इसके बाद हमारा जो वॉलेट है अपडेट हो जाएगा, आपको लिंक जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में उसको आपने फॉलो करना है, वहाँ पे आपने जो रेफरल है डालना है वॉल्ट्रेड के नाम से विदाउट एनी स्पेस, वो डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन फीस। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे किस तरीके से फास्टली बाय एंड सेल किया, तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको ईजिली पता चल जाएगा कौन सा कॉइन रग पुल कर सकता है, कौन सा मीम कॉइन आया है मार्केट में, क्या लिक्विडिटी है, क्या मार्केट कैप है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो रिस्क आप अगर सही तरीके से चेक करके चलोगे तो आपका लॉस भी उतना ही कम होगा, वरना आप देख सकते हो अगर हाई ड्रग्स को हटा देते हैं तो कितने ज़्यादा ये रग पुल वाले कॉइन्स आपको पहले दिख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स जो मार्केट में स्कैम करने आए हैं। तो यही था हमारे आज के इस ऑटो स्नैप वाले प्रोजेक्ट में, जो कि एक्चुअल में ऑटो स्नैप एक बॉट है जो कि आपके लिए इंस्टेंटली काम करता है, और आपने इसको इसी तरीके से यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी आप आ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा वॉलफिट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।